मैं सुकांत महन त्रिवेदी, साका हमारी एसोसिएशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। साका में हम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं हरियाणा के, पंजाब के और दिल्ली के। सर, बार बार जो कनाडा सरकार द्वारा फोर्सेस में देखिए, इस समय तो पिछले आप बात करें 10-1 महीने से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन इंडस्ट्री पर बहुत संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत सारे लोग काम छोड़ के जा चुके हैं, आइल्स के ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे बंद हो चुके हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों कंट्रीज में अगले साल के शुरुआत में इलेक्शंस ड्यू हैं, तो इलेक्शंस की वजह से लोगों को अपनी जनता को सेटिस्फाई करने के लिए इन कंट्रीज ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉलिसीज दी हैं जो एक टेम्पररी चीज है। अगले साल में हम देखेंगे कि पॉलिसीज रिलैक्स होंगी और ये काम दोबारा से टॉप पर आएगा। अभी हालात अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी लंबा समय इंतजार तो करना ही पड़ेगा जैसे बिल्कुल करना कि पड़ेगा जी। और इसकी वजह से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का बहुत सारा यूथ भी इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तलवार लटक रही है अभी। क्यों, कहीं ना कहीं जब ऐसी खबरें आती तो जो बच्चे आपके पास आते होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत कम हो गए होंगे क्योंकि उनकी घबराहट बढ़ गई होगी। डेफिनेटली बच्चों में भी, बिकॉज कई बार ना हम देखते हैं जो यूथ है भेड़ चाल की तरह से चलता है। कनाडा पिछले सालों में बहुत स्टूडेंट गया बिना सोचे, गया भी वहां पर जाके मुझे क्या करना है, क्या पढ़ाई होगी, कैसे आगे करियर जाएगा, कैसे पीआर होगी। अभी एकदम जाना बंद हुआ, वो भी बिना किसी प्लानिंग के, बिकॉज खबरें ऐसी आई, मीडिया में ऐसी न्यूज आइटम्स चली भी कनाडा में हालात खराब हो गए, कनाडा में जो सिविल वॉर की तरह एक सिचुएशन बन गई है, स्टूडेंट्स की बहुत बुरी हालत है, ऐसी खबरें बहुत सारी चलने की वजह से स्टूडेंट्स का रुझान कम हुआ। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स का रुझान बहुत है, पर ऑस्ट्रेलिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत टफ हैं। ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ हैं भी एक आम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार क्वालिफाई ही नहीं कर पाता फाइनेंशियल्स की वजह से। क्योंकि पंजाब में एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इमिग्रेशन इंडस्ट्री। सर आपने कहा कि बच्चों की बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, तो एक अनुमान कितने करोड़ों का नुकसान जो लगता है कि इस दौरान होगा इस इंडस्ट्री को? देखिए, अगर एक मोटा मोटा अनुमान लो तो पंजाब में करीबन 2.5 से 3 लाख यूथ इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है कम से कम, जो मुझे लग रहा है इस टाइम पर 25 से 30% का कट इस इंडस्ट्री में जाएगा। तो कहीं ना कहीं 50 से 60 हजार यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की खतरा मंडरा रहा है। ना हो वो परेशान, सारे इल्मां दी काट मेरे कोल। बेगम शहनाज जी, 25 साल दा तजुर्बा, 9 इल्मां दी ताकत, मेरे किते नू कोई कट नहीं सकता। मन चाहे प्यार लई माता पिता नू मनाउणा, पति पत्नी च अणबण जां घरेलू कलेश, नौकरी जां कारोबार विच रुकावट, ग्रीन कार्ड ते पीआर विच रुकावट, वशीकरण जादू टूणा, गुप्त वशीकरण करवाओ, मन चाह प्रेमी प्रेमिका वश विच करो, लाटरी चाहे कोई भी होवे जरूर निकलेगी। विश्वास खो चुके एक बार फोन जरूर करो अते सच्चाई जानो, तुहाडा विश्वास टुटन नहीं देवांगी। बेगम शहनाज जी, संपर्क करो 8725 4658 872504658।